जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयुर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोय शब्दशः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलिव शकला प्रतिफलति मालिका पदार्थ मालिका यत्र अनुभव करे वगैरह सत्य बोला नहीं जा सकता। पुस्तक में पढ़ करके शक्कर को मीठा कह देना और बात है, और शक्कर को चखने के बाद जो अकंप श्रद्धा होती है, निष्कंप प्रतीति होती है, तब उसे कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कोई तर्क नहीं चाहिए, कोई साक्षी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कल्पना करो, आप कभी अमेरिका नहीं गए हैं और अमेरिका से कोई व्यक्ति आया हो और उसने कोई बात बताई हो, तो आप भले ज्यों का त्यों सुन लेंगे, याद कर लेंगे, कह भी देंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में कोई व्यक्ति अन्य विरुद्ध बात करे तो फिर आप डाउट में चले जाते हैं। पता नहीं भैया, पिछली बार वो आए थे वो तो ये कह रहे थे कि फला पहाड़ उधर है, न्यू जर्सी में है, अब आप कह रहे हो न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में होगा। फला नदी वो तो बोल रहे थे कि टॉमसन नदी उधर है, अब आप कह रहे थे इधर होगी। माने वो व्यक्ति सुन करके पढ़ करके याद करके कह दे, लेकिन वो सत्य नहीं हुआ। लेकिन वो व्यक्ति खुद उस स्थान पर गया हो, टॉमसन नदी के किनारे गया हो, तो अब उसे कोई नहीं बदल सकता। भैया तुम झूठ बोल रहे होगे, मैं तो अपनी आंखों से देख कर आया हूं कि वहां पर ये नदी है। ये दृष्टांत हुआ। ये तो कहने का मतलब है, मिथ्या दृष्टि आत्मा को शुद्ध भी कहे तो भी असत्य, और सम्यक दृष्टि आत्मा को अशुद्ध कहे तो भी सत्य। गजब बात है। ऐसा भी होता है, मिथ्या दृष्टि जो बोले सब झूठ, सम्यक दृष्टि जो बोले सब बिल्कुल सही बात है। सम्यक दृष्टि कहता है मेरी दो पत्नियां हैं, नंदा और सुनंदा। जी महाराज, बिल्कुल सच्ची बात है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि बोलता है मैं देह से भिन्न हूं, बिल्कुल झूठ बोलता है, अंदर अंदर देह की पूरी पकड़ है। ऊपर से बोलता है देह मेरी नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, मकान दुकान मेरा नहीं है, कहता है वो। ये तो समय सारजी में सुन लिया इसलिए, पढ़ लिया इसलिए, लेकिन सच सच बताना क्या लगता है अंदर। इसीलिए मिथ्या दृष्टि का सत्य कथन भी झूठ है। इसलिए सम्यक दृष्टि के सिवा कोई सत्य बोल नहीं सकता। ये सब जगह लगा ना, सभी जगह, लोक में भी जो लोक व्यवहार चलता है वो प्रतीति के बिना झूठा होता है वो। हा, एक बालक को मां की प्रतीति होती है, मां की प्रतीति होती है। मेरे पास बच्चे आते हैं छोटे छोटे, ऐसे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो मैं पूछता हूँ क्यों तुम्हारी मम्मी अच्छी है कि खराब है, तुम्हारी मम्मी अच्छी ही खराब है, बोला
अच्छी है कि खराब है? क्या बोलते गुजराती हैं, सारी छके? क्या कैसी है? अब ये सब अच्छी बोलेंगे अभी। तब मैंने कहा वाह, उस दिन कान पकड़ के मार रही थी कि नहीं मार रही थी? तो बच्चा फौरन समझ जाता है कि मार तो रही थी लेकिन मम्मी अच्छी, गलती तो मेरी थी। देखो उसको मां की प्रतीति है। किसी भी बच्चे से आप मां के बारे में उल्टा कथन नहीं निकलवा सकते। हम कह भी दें कि उसने उस दिन मारा था, तुम रो रहे थे और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तब वो बच्चा क्या बोलेगा, वो तो मैं पढ़ता नहीं हूं ना इसलिए मारती, वैसे मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। देखो माने उसको मां की प्रतीति है, इसलिए वो मां के बारे में जो बोलेगा वो सत्य बोलेगा। आए समझ में? ऐसे ही आत्मानुभूति करे बगैर, द्रव गुण पर्याय का स्वरूप समझे बगैर सत्य नहीं बोला जा सकता। और अनुभव करने के बाद जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। कोई क्या गजब बात, जो बोलो सो सत्य, ऐसी गजब बात है। आगे समझ में आया? अब समझाएंगे इसको थोड़ा सा। सत्य शब्द को समझे अपन। सत माने त्रिकाली सत, क्षणिक सत। सत माने अस्तित्व, सत माने तीन लोक की वस्तु, सत माने सत्ता वाली वस्तु, सत एग्जिस्टेंस। सत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंस, सत्ता वाली वस्तु। तो त्रिकाली सत, क्षणिक सत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अब उत्पाद व्यय ध्रुव वाली जितनी वस्तु है वो सब सत, और इनका स्वरूप अय माने जानना, आय माने जानने रूप परिणमित होना। आय का अर्थ परिणमन भी होता है, जानना भी होता है। तो सत्स्वरूप को जानते हुए परिणमित होने का नाम सत्य है। एक पॉइंट अभी आगे सुनो। एक बार बताओ, सिद्ध भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो। नहीं बोलते हैं। बच्चों की पाठशाला जोरदार है। सिद्ध भगवान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो फिर उनको सत्य धर्म तो हो गई नहीं? क्यों बोलते तो है ही नहीं? बोलो। बोलते हैं ही नहीं तो फिर सत्य धर्म कहां से होगा उनको? सुना परिभाषा लगाओ फिर से सत्य की। सत स्वरूप को जानते हुए परिणमना का नाम सत्य धर्म है। बोलने का वो नहीं है। बोलने के लिए तो मन वचन का है चाहिए, बोलने के लिए तो मन वचन का है चाहिए, लेकिन सत्य धर्म के आनंद के लिए, आनंद के लिए, सत्य धर्म के आनंद के लिए मन वचन का है नहीं चाहिए, उसके लिए तो आत्मी बहुत है। समझ में आया? अब आगे चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो सत्य स्वरूप को जानना, सत्य स्वरूप को जानना, तो कैसे जानना? तो पहले हम एक मूल वाक्य बताते हैं इसमें। प्रमाद योगना कसायना योग थी, प्रमाद कसायना योग थी। मेरे गाथा नंबर 91 फिर से निकालिए, 91 फिर से थोड़ा थोड़ा खोलना है मुझे, थोड़ा थोड़ा खोलना है, फिर अपन चोरी की चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मिला? इसमें भी है और 100 नंबर की गाथा में भी वो चर्चा है, माने जो कल बहुत स्पष्ट करने लायक बात है। प्रमाद कसायना योग थी, प्रमाद योगात, ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्रमाद योगात। ये प्रमाद कसायना लिखे ना, प्रमाद कसायना, तो प्रमाद कसायना के बीच में एक डेस आना चाहिए। डेस का मतलब होता है मीनिंग। प्रमाद का अर्थ है कसाय, प्रमाद का अर्थ क्या है? हाँ याद रखना, प्रमाद का अर्थ क्या है? कसाय। वेरी गुड। कसाय और योग, कसाय सहित योग, अकेला योग नहीं लेना, कसाय सहित योग। दोनों के ब्रैकेट खोलते हैं, कसाय सहित योग का ब्रैकेट खोलते हैं। कसाय माने क्रोध मान माया लोभ। क्या कहा? कसाय माने क्रोध मान माया लोभ। अब ध्यान रखना, जब हम प्रमाद बोलेंगे तो आपको चार कसाय समझना है, जब भी प्रमाद बोलेंगे तो चार कसाय समझना है आपको, हमेशा के लिए नोट कर लेना ये बात, हमेशा के लिए। अब योग की बात करो, मन वचन काय ये योग। तो प्रमाद कसायना योग थी, योग थी स्व परने हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहवामा आवे छे। वचन कहने की बात आ रही है, मन में विचार करता है, वचन से कहता है,
वचन और ये काया, काया है ना, काया, काया के माध्यम से चेष्टा करता है, वचन से कहता है, भाषा वर्ण है, वचन से कहता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, झूठ कब बोलता है, जब उसमें मान शामिल हो, क्रोध शामिल हो, माया शामिल हो, लोभ शामिल हो। जैसे दृष्टांत दूं, जरा ध्यान से सुनना, थोड़ी सूक्ष्म बात चलेगी अब, थोड़ी सूक्ष्म बात। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में कहता है, लो मैं आज से धर्मात्मा हो जाता हूं, मैं आज से रोज पूजा करूंगा, तो तू क्रोध पूर्वक वचन बोल रहा है, भले काय का बोल रहा है, पूजा पाठ का, धर्म का, लो तो इससे मैं शादी नहीं करता हूं, मैं ब्रह्मचारी हो गया, झूठ बोलता है। तू क्रोध से भले ही शादी ना कर, लेकिन क्रोध पूर्वक शादी नहीं करने का नाम असत्य है। अब समझ आया कि नहीं आया? ठीक है भैया, हमारी जो किस्मत ही खराब है, आज से हम मीठे का त्याग कर देते हैं। जब सास बहू में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ ना, तो बहू ने गुस्से में आके कह दिया, ठीक है आज से मैं शक्कर ही नहीं खाऊंगी, तुम्हारा सबको मन को बड़ा सुख शांति मिल जाएगी, आज से मैं रसगुल्ला मीठा मीठा कुछ नहीं खाऊंगी, ले अब तो खुश। ये गुस्से में नहीं बोल देते, ऐसे नहीं बोल देते, सहन तू झूठ बोल रहा है। ए झूठ बोल रहा है, भगवान कसम आज के बाद नहीं खाऊंगा। अरे तू झूठ बोल रहा है, झूठ झूठ, सही में नहीं खा रहा हूं साहब, 50 साल हो गए मैंने उस दिन से खाया नहीं आज तक। हम कह रहे तो भी तू झूठ बोलता है, तू इधर से नहीं खा रहा कि इधर से नहीं खा रहा है। इधर से तो तुझे ऐसा गुस्सा आती है सास को देख करके, माने जिस पे भी गुस्सा आती ना, यदि तू उस दिन गुस्सा में इतना नहीं बोलते ना, तो एक तो रसगुल्ला भी खा लेते और सास पर गुस्सा भी नहीं आती। अब तो जब तक जिंदा रहेंगे वो जब जब लड्डू सामने आएगा वो सास याद आ जाएगी, इसकी वजह से मैंने शक्कर छोड़ी थी। अरे सास तो कहने की बात है, कोई भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकती है। पति रोज क्या बोलते हैं, किट किट करना, चिक चिक करना, कितना शक्कर खाते हो, कितना शक्कर खत्म कर दिए, गुजरात में गोड़ और शक्कर ज्यादा खत्म होता है। नहीं कहता तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, कितना कितना खा जाते हो, कहाँ चला जाता है। ठीक है आज से हम नहीं खाएंगे, तो उसे खाया भी नहीं, लेकिन 50 वर्ष में जब जब गोड़ शक्कर सामने आता है, तब तक वो पति का वो गुस्सा बिल्कुल जिंदा हो जाता, जिंदा जिंदा, समझते नहीं, इनकी वजह से मैंने गुड़ शक्कर छोड़ा, इनकी वजह से, इनकी वजह। तो एक तो तूने गुड़ शक्कर में सुख बुद्धि नहीं छोड़ी, गुड़ और शक्कर में आनंद तो तेरे ज्यों का त्यों चल रहा है और गुस्सा भी चल रहा है। देखो क्या गजब बारीक व्याख्या है, यहां कहते हैं तेने झूठ का त्याग नहीं किया। गजब बात है, सब जगह लगा लेने, सभी जगह। ठीक है भैया आपको ऐसे ही पसंद है, अब हम आपको ही खुश करेंगे, आपको खुश करने के लिए अब हम बस, अब हम के बाद डॉट 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 माने खालिस्तान, माने आप लगा लेना आप जो चाहे, आज से हम वहां नहीं जाएंगे, आज से हम धर्म करेंगे, आज से हम शास्त्र पढ़ लेंगे, आप खुश हो जाओ, बस आप खुश हो जाओ। तू तो दुखी है कि नहीं सन, क्रोध में पढ़ा गया शास्त्र, शास्त्र अध्ययन नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, क्रोध में करा गया ना पूजा पाठ, पूजा पाठ नहीं, अब सब लगा लेना। एक आदमी था, कहा सुनते हैं भैया दृष्टांत में, सच्चा है कि झूठा है मुझे नहीं मालूम, मैंने दृष्टांत है सुना है। एक आदमी को पत्नी उसकी हैरान करती थी, तो जब देखो जब एक तुम तो यदि मुझे हैरान करो तो मैं दीक्षा ले लू, दीक्षा ले लू मैं, तो पत्नी बिचारी डर जाए तो चुप, ये दीक्षा नहीं ले ले। तो ऐसे करते करते 10 साल बीत गए, जब भी कोई झगड़ा हुए तो वो कहते मैं दीक्षा ले लूं, नहीं शांत हो जा। तो एक दिन उसने बोल ही दिया, ले आओ तो सही। दीक्षा ले लो पीछे छूटे। रोज रोज की 10 साल हो गए ब्लैकमेल करते करते। ले लो जाओ। अब बेचारे की बड़ी आफत, वो निकल भी गया बेचारा घर से, अब चला भी गया घर से, चला गया जंगल में बैठे, अब दिन बीत गया, अब मन तो लगे नहीं, क्योंकि जो हैबिचुअल हो 5 इंद्रिय की विषय सेवन का, उसका मन कहां लगे बेचारा, आत्मा तो जाने नहीं, बहुत दिन भर हो गया, अब कैसे घर लौटूं ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि नाक का सवाल है, बोल के आया हूं तो जाऊं भी कैसे, पत्नी नहीं तो आते से कमेंट्स करेगी, आ गए मैं क्या बोलूंगा, बहुत मुश्किल पड़ गई बेचारे की। इतने में शाम हो गई, अब कहां सोए, क्या जगें, क्या होगा। इतने में उसके घर की गाय आती थी, वहां से गाय चढ़ने जाती ना रात शाम को जंगल में,
तो शाम को चर के वापस लौट रही थी, एकदम दिमाग में आई क्लिक योजना, क्या कहना प्लान। उसने अपने जो गमछा रहते ना, गमछा ऐसे ऐसे ओढ़ने वाला गमछा, उसको उसने गाय के गले में डाला, ऐसे ऐसे गाय के गले में डाला। अब गाय बेचारी घर आती है तो वो भी उसके संग घर आ गया, और जैसी पत्नी सामने आई, देख देख मुझे क्यों ला रही तू घर, मुझे दीक्षा ले लेने दे। मैंने वो ऐसे बोली, तो पत्नी बोली क्यों, मैं तो नहीं आ रहा था। लेकिन इस गाय को मेरा विरह बर्दाश्त नहीं था, ये गाय मुझे पकड़ करके लाई। मैं तो नहीं आ रहा था, मैंने तो इसे बहुत मना कहा सारे रास्ता, देख मुझे तू दीक्षा ले लेने दे। समझ में आया कि नहीं आया? हे भैया सब झूठ है, झूठ 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 असत्य है। लगा लोगे चारों में, लोग पूर्वक पूजा करें ऐसे अंदर में लगता है दुकान बढ़िया चलेगी, असत्य है, झूठ बोलता है। पूजा करता है, कितने साल से पूजा करते हो? 25 साल से। क्या सोच के करते हो? पंडित जी पुण्य का उदय होगा उससे, क्या बोलते हो, बहुत बढ़िया बद्दू सगबड़ मड़ी जैसे स्वर्ग मिल जाएगा, छोकरा छोकरी बढ़िया हो जाएगा, व्यापार धंधा बढ़िया हो जाएगा, और कुछ होए कि नहीं हो लेकिन समाज में प्रतिष्ठा आबरू बढ़ी जैसे। बोलो जरा बोलो, लोभ कसाय से बोला गया वचन, करी गई पूजन, सब कुछ तेरी। क्या गजब है, अर्थ तो खोलो जरा। बोलता तो है मुझे भगवान बनना है, अंदर अंदर में तो ये लगता है, देखो इधर अपन बोलेंगे ना कुछ और तो लोगों में हंसी होगी। जैसे अभी मैं पूछे क्यों तुमको क्या बनना है, अब बनना तो उसको स्वर्ग में इंद्र है, ये उसको ऐसा मन ही मन लगता है, एक बार इंद्र बन के भी तो देखें 40 नील क्या होती है। समझ आया 40 नील। एक बार इंद्र नहीं चक्रवर्ती तो कम से कम बन के देखना, 96,000 क्या बात है। मन में भले ही ऐसा हो लेकिन यहां भरी सभा में पूछे क्या बनना है, अब भगवान नहीं बोले तो अभी हंसी हो जाएगी। तो मान कसाय के बसीभूत होकर के, मायाचारी के बसीभूत होकर के, अंदर में तो कुछ और रहता है लेकिन ऊपर से बोल देता है भगवान। एक से एक जोक है, जोक शाम की सभा है ना, बच्चे बैठे हैं, इनको जोक थोड़ा सा छोटा सा। मैंने पूछा प्रवचन में, ए भैया कहाँ जाना है? मोक्ष। तो छोटा सा बच्चा पप्पा के कान में बोला, मम्मी ने कहा था सीधे घर आना। समझ आया? मम्मी ने कहा था सीधे घर आना, और तुम क्या बोल रहे हो इधर? मैंने मन में कुछ, अरे प्रभु अब चार कैसे लगा लेने, बस क्रोध मान माया लोक के बसीभूत होने वाली मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, यहां वचन की बात है, वचन की जो प्रवृत्ति है वो तेरा असत्य भैया। पहले तू अंदर में प्रतीति करके बोल, प्रतीति करके बोल। ओ हो, परद्रव्य में सुख है कि नहीं, है कि नहीं? झूठ बोलती हो, प्रतीति करके बोलो। अभी 1 करोड़ रुपए मिले तो आहा आनंद आ जाए। हैं? एक लड़का ने 50 लड़कियां देखी, कोई ढंग की नहीं मिले, सुंदर नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, धर्म नहीं, कर्म नहीं, कुछ ना कुछ। तो आखिर मैं ऐसे सोचने लगा, इससे तो अपन ब्रह्मचर्य ले लो, वो ही अच्छा है। तो ब्रह्मचर्य की सोचने लगा, 1-2 साल ब्रह्मचर्य की भावना भाने लगा, सत्संग करने लगा, ऐसा 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 ऐसा। फिर एक दिन एक बहुत अच्छी धार्मिक कन्या मिल गई उसको प्रवचन करते करते। तो सारा ब्रह्मचर्य एक बाजू, मैं कब से तलाश रहा था। तो मूर्ख, तो फिर तेने ब्रह्मचर्य की साधना कहां करी, तेरे को पर में सुख बुद्धि कहां छूटी? इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए आत्मा में सुख बुद्धि हो, पर पदार्थ में सुख बुद्धि नहीं हो। पहले पूरी ताकत लगा करके पर में सुख बुद्धि तोड़ो, इसका नाम ब्रह्मचर्य। पर में सुख बुद्धि तोड़ो माने सब प्रकार का विकल्प रख रख के सोचो, ऐसी पत्नी होए तो, ऐसे होए तो, ऐसे होए तो, बिल्कुल सारी अनुकूलता होए तो। एक बहन ने ब्रह्मचर्य लिया, सच्ची घटना है। तो हमने पूछा, वो हमारे पास आई क्योंकि हम प्रवचन करते थे ना, तो परिचय था। और समाज की उस बच्ची ने समय शिखर जी में नियम लिया पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर ब्रह्मचर्य का, तो हमारे पास आए कि आज हमने ब्रह्मचर्य ले लिया।
उन्हें बहुत अच्छा है। तो हमने, मैंने कहा शादी नहीं करोगे? मैंने पूछा शादी नहीं करोगे? तो वो मेरी शकल देखने लगे, क्यों मुझे कोई ब्रह्मचर्य और अपन प्रश्न क्या पूछ रहे, शादी नहीं करोगे? तब अब वो बेचारे असमंजस में हो गए। तो उसने कहा नहीं नहीं करेंगे, मैं इस भाव में नहीं करोगे, अगले भाव में भी नहीं करोगे। आप देखो गजब बात है ना। खैर तो बोले नहीं करेंगे। मैंने सोचो तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर जैसा पुरुष मिले, कितना बढ़िया समागम होगा, कितनी बढ़िया तत्व चर्चा मिलेगी। तद्भव मोक्षगामी वो हो जिसके पंच कन्याण कराए जाते हो और उसकी पत्नी होने का सौभाग्य मिल जाए। तो सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई। समझे, एकदम विचार करने लगी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। समय मैंने कहा तो इसका इसको भी विचार करके देखो कि उनसे हमें क्या लाभ होगा। अब सोचो कि अत्यंत अभाव है, अब सोचो कि तीर्थंकर जैसे पुरुष की भी हमें दरकार नहीं है। आहा हा हा, मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए आत्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इतना तीव्र उत्कृष्ट भाव हो इसका नाम ब्रह्मचर्य। गुस्से का ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य नहीं। समझ गए होंगे चार कसाई, क्रोध मान माया लोभ। आहा हा हा हा, एक बात है, बाबू भाई जी ने एक दृष्टांत दिया था, सच्चा मैंने मुझे याद आ जाता है, उनकी बहुत याद आती है उनकी। तो उन्होंने ऐसे दृष्टांत दिया, और रेल में जा रहे थे, रेल में तीर्थ यात्रा नहीं जाती, तीर्थ यात्रा तो रेल यात्रा में, वो भी तीर्थ यात्रा में थे, वो निकली स्वामी जी के साथ यात्रा नहीं निकली थी, ऐसे यात्रा निकली उत्तर भारत की यात्रा। तो उसमें और परिवार भी बैठे थे सब परिचित, तो ऐसे सबने ऐसे बातों में बच्चों से पूछते हैं रस्ते में, क्यों तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो बच्चा बोला मैं तो बाबू भाई जी बनूंगा। जैसे मुझे देख के बोले ना बच्चे, मैं पंडित जी बनूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, ऐसे उनने बोला मैं बाबू भाई। तो बाबू भाई जी ने पूछा बाबू भाई क्यों बनोगे? तो वो बच्चा बोलता है खाने के लिए काजू किसमें मिलता है ना। माने अब जीव की कितनी पहचान। बोला ऐसी इसको ऐसी मायाचारी से अच्छा बेस बनाऊं, अच्छा ब्रह्मचारी बन जाऊं तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिले रोज के रोज, क्या इज्जत आबरू मिले। अरे प्रभु तेरी गाय पर दृष्टि नहीं है, तू असत्य बोलता है। पकड़ो अब, समझ आया भैया? कठिन तो नहीं लग रहा? चार कसाई के बसीभूत होकर के मन वचन काय की वृत्ति होने का नाम पाप है। अभी तो यदि मैं बहुत बोलूंगा तो फिर तो आपको तकलीफ ही होगी बहुत। इससे मालूम पड़ता है हमारी वृत्ति कहां जाती है, कहां जाती है। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो तो और कठोर दृष्टांत दूं थोड़ा सा। वैसे ऐसा ऐसी कक्षा तो तब लगे जब थोड़े लोग हों और बिल्कुल मैं खो जाऊं अपने में, क्यों अभी तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोई नए लोग आए होंगे तो वो सोचेंगे ठीक अगले दिन से मान ही नहीं, क्या करना। लेकिन दृष्टांत दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। बोलो भैया मंदिर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर कंडीशन में, चाहे कितने उपसर्ग का जाए। अब बोलो बोलो नहीं, चाहे कितनी प्रतिकूलता हो, बोलो बोलो तो कुछ है, आना चाहिए मंदिर, आना चाहिए मंदिर। अच्छा ठीक, कल्पना करो कि ट्रस्टी मंडल का कोई आदमी आपको डांट देवे, कैसे पूजा करते हो आप? हाथ नहीं लगाया करो, सही बताना। आपको उसी समय ऐसा लगेगा आज के बाद इस मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। तो मैं पूछता था आप भगवान से प्रभावित होकर आए थे, बीतरागी देश सास गुरु से प्रभावित होकर आए थे, आत्म कल्याण की वजह से आए थे या ट्रस्टी की वजह से आए थे? कभी एनालिसिस नहीं करते हम। जहां हमारे मान सम्मान की पूर्ति नहीं हुआ हम एक सेकंड में देव सास गुरु को छोड़ दें, एक सेकंड में देव सास गुरु को छोड़ दें, इससे बड़ा अनंत पाप क्या होगा। बहुत बहुत कड़क बात कह रहा हूं, बहुत कड़क बात। एक व्यक्ति वही रोज रोज पूजन करने आता हो, वही प्रक्षाल करता हो, वही पानी भरता हो, तो अंदर अंदर एक गुस्सा चलता रहता, गुस्सा भगवान मेरे समाज के हैं, मेरे थोड़ी हैं। कौन के भगवान, भगवान कौन के?
भगवान क्या मेरे अकेले हैं? अब ये सर क्या थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा आ जाओ जाओ भैया थोड़ा थोड़ा और सर थोड़ा थोड़ा कष्ट उठा लो थोड़ी देर। इसको गोद में ले लो, हाँ जी ले लो गोद में ले लो, रेल को ले लो गोद में, हाँ ठीक है। जगह बचाओ भैया जगह बचाओ, बिल्कुल यहां एक आदमी आ जाएंगे, दो तीन आदमी आ जाएंगे, जल्दी हटो जल्दी करो फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो। आ जा बेटा आ जा, देखो देखो देखो, ओ हो हो, हाँ भैया बिल्कुल जगह नहीं छोड़ना। अच्छा भैया पंचम काल में आप इतनी तकलीफ उठा करके भी जिनवाणी सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, सुनने जैसी बात है। देखो देखो बहुत ऑपरेशन चल रहा है। बोलो क्या लगेगा, भगवान मेरे अकेले, मैं ही अकेला करूं? अब बाई दबे वो करता भी जाए प्रक्षालन, करता भी जाए और कोई आकर के जेब में हाथ डाल के खड़ा हो जाए ठंडों में, तो पूजा पाठ तो एक तरफ गई, उसे देख के ऐसी गुस्सा आएगी। आ गए लेफ्ट हैंड साहब खड़े हैं, देखो हाथ आराम से हाथ डाल के ठंड में, मैं हूं मरने के लिए। ये तो तू कर क्या रहा है भले आदमी, ये तो बता, तू क्रोध मान माया लोभ सहित मन वचन काय की परिणति को असत्य कहते हैं, खबर है तुझे क्या? सारे भाई अंदर के ग्राहक तुम्हारी दुकान पे आ जाए तो बोलो, जवेरी की दुकान हो कपड़े की दुकान हो, पूरे भाई अंदर के ग्राहक तुम्हारे दुकान पे आए हो, सारी दुकान आज के दिन कोई आ ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा, कैसा लगता है, कैसा लगता है बोलो, कैसा लगेगा? अरे साहब महाभाग्य, मैं कहता हूं सारा पुण्य बांटने के लिए कोई आ ही नहीं रहा, तेरे अकेले भाग्य में सारा पुण्य, सारी पवित्रता, सारा स्पर्श, सारा रोमांच, सारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और सारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष तेरे ही कब्जे में आ रहा है, दुखी क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? वहां तो दिन भर दुकान करनी पड़े उठा उठा के, और नौकर नहीं हो तो भी उठा उठा के क्या वहां कुछ नहीं लगता? आपका आप अकेले हैं करने वाले और एक ही लड़का है आपकी, उसकी शादी का अरेंजमेंट आप करते हो, कभी आपको ऐसा लगता है क्या लड़का मेरा है? और कोई भी कोई तो चिंता करना चाहिए, अरे ऐसा क्यों सोचते हो? देखो ये मैं इसलिए बारीकी से खोल रहा हूं, थोड़े नहीं है पॉइंट, इसमें बहुत पॉइंट है, आप खुद विचार करना कब कब आप क्रोध मान माया लोभ से ग्रसित होकर के मन वचन काय की वृत्ति करते हैं, तब तब पाप होता है। बहुत कड़क ऑपरेशन है भैया। अरे रे शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी लोभ आ जाता है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी प्रमेय का लोभ हो जाता है, नई चीज सीखने का लोभ हो जाता है, अरे बताने का मान हो जाता है, ये चीज मैं बताऊंगा, ये दुनिया को सुनाऊंगा, दुनिया भी समझ जाएगी, सुमत प्रकाश जी जैसा वक्ता नहीं होगा, ये आज नया पॉइंट है, बिल्कुल आज तो सबको सुनाऊंगा, बिल्कुल काहे के लिए सुनाओगे? सम्यक दर्शन करने की करुणा, देखो एक एक करुणा होगी, सब भगवान आत्मा को पहचाने, इसलिए उनको सहज भाव से बताऊंगा, ये निष्प्रयी भाव है। और एक इस लोभ के साथ बताना कि सारा जगत मेरा यश गाएगा, सब मेरी सीडी सुनेंगे, सब फिर मैं ही मैं छा जाऊंगा। अरे कौन छा जाएगा प्रभु? तू औदयिक भाव को मानता है मैं कि पारिणामिक भाव को मैं मानता है? जो पारिणामिक भाव को मानेगा वो निष्प्रयी करुणाशील होगा, और जो औदयिक भाव को मैं मानता होगा वो अपना इसका फोटो पढ़वाना चाहेगा, इसी की सीडी चलवाना चाहेगा और इसी का भक्त बनाना चाहेगा, मोटा मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया भैया? सत्य बोलने से पहले सत्य पहचानना जरूरी है। लिखा है कहीं? कहां लिखा है? बालबोध पढ़ा है? बालबोध पांच पाप का पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पांच पाप का पाठ बालबोध दो, जैसा देखा जाना सुना हो, हाँ बोलो, लिखा है क्या लिखा है? जैसा देखा जाना सुना हो वैसा कहना सत्य है कि नहीं? तो क्या लिखा आगे, जोर से बोलो खड़े होके, हैं? याद है बच्चों को? बहुत बढ़िया। सत्य को जाने बिना, सत्य का स्वरूप जाने बिना सत्य बोला जा सकता नहीं है, गजब बात है। पहले सत्य को समझो, इसलिए देखो अन्य मत की बात नहीं चलती, अन्य मत में तो जरा कुछ कर करा ले इतने में ही बहुत है, बस अपने आता हो कैसा ऑपरेशन होता है अंदर अंदर,
समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चलें। तो ये तो हुआ प्रमाद से योग, प्रमाद और योग का इतना बड़ा मीनिंग था, प्रमाद और योग का इतना बड़ा मीनिंग था। भैया तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम पुण्य कर रहे हो, तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम पुण्य कर रहे हो, कहां मंदिर में पूजा पाठ करते समय पुण्य कर रहे हो, तुम्हें भ्रम हो गया, तुम शास्त्र पढ़ रहे हो, तुम्हें भ्रम हो गया कि तुम पुण्य कर रहे हो। हा 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 हा, प्रवचन सुनते समय नींद आई, कल दृष्टांत दिए थे ना, तो ऐसे ऐसे करने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, तो उसको क्या लगता है मैं मायाचारी, छल प्रपंच करे ना, तो छल प्रपंच से चलने वाली परिणति का नाम मायाचारी, असत्य है, झूठ बोलते हो, तुम क्या धर्म करोगे। साच जवाहर खोल सतवादी जग में सोखी, कहां लिखी भैया, कहां लिखी भैया, नहीं मालूम, इस बार 10 लक्षण में पूजन करना, अपने आप मालूम पड़ जाएगी कहां लिखा है। 10 लक्षण पूजन में क्या बढ़िया छंद है, आए समझ में आया, चले आगे चले, क्यों चर्चा बहुत है इसमें, अभी कल वाली चर्चा फिर रिपीट कर रहे हैं। विद्यमान होते हुए भी, पूरी चर्चा नहीं की थी तो कोई स्वच्छंद हो सकता है, इसलिए पूरी चर्चा करने के लिए फिर से उठाई वो चर्चा। विद्यमान होते हुए भी, तो कल हमने त्रिकाली द्रव की अपेक्षा से मुख्यता से बात करी, लेकिन पर्याय में राग विद्यमान है, पर्याय में राग विद्यमान है, और राग विद्यमान होने पर भी, क्रोध मान माया लोभ विद्यमान होने पर भी, जैसे अभी मैंने इतनी चर्चा करी है कि नहीं, विद्यमान होने पर भी झट आड़ मार देता है, क्या आड़ मार देता है, हो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए इससे डिप्रेशन हो जाता है, ऐसी चर्चा नहीं करना चाहिए इससे मिथ्यात्व हो जाता है, ऐसी चर्चा नहीं करना इससे तो पर्याय मूढ़ा हो जाता है, इससे तो पर्याय दृष्टि हो जाती है। तो विद्यमान होने पर भी उस विद्यमान राग आदि को निकालने की चिंता तो नहीं करता, उसे मिटाने के लिए त्रिकाली गायक का आश्रय तो नहीं लेता, लेकिन बस जल्दी से उस बात को भुलाने के लिए, मैं तो त्रिकाली गायक हूं, मैं तो अकड़ता हूं, ऐसा कहता तो है लेकिन स्वभाव का आश्रय नहीं लेता। यदि स्वभाव का आश्रय ले तो राग आदि मिट जाए, मिट जाए, स्वभाव का आश्रय तो नहीं लेता, लेकिन वो सुनने पर टेंशन आ जाती है, क्यों टेंशन आ जाती है, ओ इतना पाप कर रहे हैं हम, इतना राग, इतना द्वेष, सब जगह असत्य, वे मर गई, अब मर गई, अभी तक तो मालूम नहीं था, आज मालूम पड़ गया कि सब झूठ, ए भैया तो डर गया बेचारा। तो हम एक बात कहते हैं, तो आप डर गए तो सत्य स्वरूप को नहीं जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए। यदि स्वाइन फ्लू की बात चल रही है तो अब आप ऐसे तो नहीं बैठ जाते कि न्यूज मत पढ़ो भैया डर लगता है, और एक काम करना वो टेलीविजन भी मत खोल लेना, डर लगता है हमको स्वाइन फ्लू को मरता हुआ दिखाएंगे अभी। अरे स्वाइन फ्लू का मरता दिखाएंगे या न्यूज़पेपर में आ रहा है या कोई चर्चा हो रही है तो वहां तो कान अलर्ट, डर 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 के छोड़ते नहीं है, मृत्यु का डर से भी छोड़ते नहीं है भैया, क्यों क्यों नहीं छोड़ते बोलो, पूरी जानकारी रखते हैं, यदि मालूम पड़ जाए ना कि सबसे ज्यादा भाईंदर में जा रहे हैं स्वाइन फ्लू में, तो अभी सबके मुंह पे लग जाता हो सब, भैया कुछ हो भैया बचना तो पड़ेगा। ऐसे ही बुद्धिपूर्वक पर्याय में राग है, द्वेष है, कसा है, क्लेश है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, है वो विद्यमान है, गजब बात है। ऐसा होने पर भी तू उसका स्वरूप जान और उसको घबरा मत, डर मत, त्रिकाली ध्रुव गायक स्वभाव का आश्रय कर। जानने से डरना तो तू त्रिकाली गायक कोई नहीं जानता, समझ में आया कि नहीं आया, देखो एक दृष्टांत दूं तो समझ में आए, बहुत बढ़िया दृष्टांत। एक ऐसी साबुन है, साबुन क्या बोलते हैं, सौंफ, ठीक है, सौंफ साबुन, ठीक है, ऐसी बढ़िया साबुन है कि कोई प्रकार का दाग हो और एक बार लगाने छूट जाए, यहां तक कि वो हल्दी का कौन कौन सा दाग होता जो नहीं छूटता मार्केट में, तारकोल का क्या बोलते, तारकोल क्या बोलते, डंबर क्या बोलते हैं, जमीन के डंबर नहीं हो, सड़क बनाते हैं डांबर, डांबर और डांबर का दाग, कत्था का दाग, खून का दाग, किसी से नहीं छूटे, ऐसी साबुन हमारे पास है, एक बार लगाओ ना झक, सुनना दृष्टांत। तो जिसके पास साबुन जोरदार हो वो दाग को जानने से डरता है, कौन सा दाग लगा यही बताना मत, कहीं
दाग की दृष्टि हो गई तो मूर्ख जिसके पास साबुन जोरदार है उसे कोई दाग हो, भैया भैया कपड़े आज बहुत मेले हैं, क्यों क्या मेला है, हल्दी लग गई, अच्छा बस, देखो हल्दी का नाम सुनते से क्या बोला, बस, अरे डामर लग गया, अच्छा बस, अरे खून से लगा हुआ, अच्छा बस, लाओ लाओ लाओ, देखो इसका नाम दर्द दृष्टि, सारे असंख्यात प्रकार असंख्यात लोक प्रमाण राग को जानता है और कहता बस मोह राग देश क्रोध मान माया लोग ऐसा 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 पाप ऐसा ऐसा बस ऐसे बोलता है, इसका नाम है द्रव दृष्टि। जो पर्याय को जानने से डरे वो द्रव स्वभाव को नहीं जानता, क्या बोले, जो पर्याय को जानने से डरता है, विकार को जानने से डरता है, असंख्यात लोक प्रमाण विकार को जानने से डरे, तो भगवान ने लिखा क्यों, लिखा कौन ने बोलो, असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक लोक प्रमाण राग नहीं, ए तीन लोग है ना, तीन लोग नक्शा देखा, तीन लोग का एक लोक, ऐसे असंख्यात लोग को भर दो, इतना राग एक एक जीव के पास, और कही कौन ने ये बात, सर्वज्ञ भगवान ने, उन्हें नहीं लगा कि हम असंख्यात लोग कहेंगे तो डर जाएगा, अभी तो मैंने 10-5 ही सुनाई आपको, ज्यादा कहां सुनाई, लोग इतने में कहते हैं पंडित जी आगे मत सुना ना, हम तो ऐसा लगेगा कि फिर पाप ही पाप, पाप ही पाप, जहां देखो वही पाप, जहां हाथ लगाओ वही पाप, जहां हाथ लगाओ वही पाप, श्रीमद जी ने लिखा है पग मुक्ता पाप लिखा कि नहीं लिखा है, तो डरने के लिए लिखा है क्या, याद रहेगा दृष्टांत कौन सा वाला, विकार से नहीं डरेंगे, बोलो क्यों नहीं डरेंगे, कौन सा दृष्टांत, हाँ सावन का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऊंचे हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, हाँ देखो सबसे पीछे बैठा लेकिन सुन रहा जोरदार, वेरी गुड, सबको पता लगना चाहिए कौन ध्यान से सुन रहा है, वेलकम, ठीक, सावन का दृष्टांत, आज के बाद भूलना नहीं, डरना नहीं, मैंने उज्जैन में एक बात कही थी, आपको भी कहता हूं, क्रोध मैंने कभी किया नहीं, क्रोध मैं करता नहीं, क्रोध मैं करूंगा नहीं, और हो जाए तो डरूंगा नहीं समझ में आया, पाप मैंने किया नहीं, पाप मैं करता नहीं, पाप मैं करूंगा नहीं, और होएगा तो जानने से, इसका नाम त्रिकाली गायक की दृष्टि, अरे क्या समझते हो त्रिकाली गायक, ध्यान रखना जो विकार को जानने से डरता है वो त्रिकाली गायक को नहीं जानता, मतलब स्वभाव है, विकार को फिर समझ लेना अच्छी तरह से, विकार को जानने से कभी नहीं डरना, खूब जानना अच्छी तरह से, बल्कि माइक्रोस्कोप लगा के जानना, नहीं समझ में, खूब एनालिसिस करना, मेरे पास, मेरे तो भैया उसी का खाता हूं मैंने उसी से ही मजा आता है अपने को, तो हा हा ये राग भी नहीं टिकेगा, ये भी नहीं टिकेगा, ये भी नहीं टिकेगा, मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अस्तित्व गुण पढ़ाया ना, अस्तित्व गुण, उसमें एक दृष्टांत दिया था, एक अंगूठी वाला दृष्टांत, अब लंबा तो नहीं करना चाहता, उसी में सुन लेना, अंगूठी वाला दृष्टांत, चार राक्षस आए और मेरी रक्षा कौन कर रहा है, अंगूठी, इतना शॉर्ट कर दे रहा हूं, इस अंगूठी से मेरी रक्षा होती है, कोई टच नहीं कर सकता, चार राक्षस सामने आए, पहली बार में तो डर लगा थोड़ा, लेकिन जैसे अंगूठी की याद आई, चारों गायब, थोड़ा और आगे बढ़े, आठ आए, फिर डर लगा एकदम, इतने बड़े बड़े काले 50-50 फुट के कितनी हाइट, हाँ 50 फुट, बिल्कुल अब तो सब ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक 50 फुट और है बड़े बड़े दांत और मटके बराबर आंख घड़ा बराबर ऐसी बड़ी बड़ी और जाल जलती हुई लाल आंख, एकदम तो थोड़ा डर लगा, फिर जैसे इसकी याद आई घड़ी अंगूठी की साफ, अब डरेगा कि डरेगा वो, अब 16 आए 32 आए, अब तो क्या बोलेगा, और आओ कौन है और, जे भी नहीं टिकेंगे ऐसे स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगे, अस्थिरता जन्य महादोष भारी, महादोष और भारी, क्या विशेषण लगाया है, महान महान दोष माने बड़े बड़े दोष और भारी भारी, ओहो अस्थिरता जन्य
प्रभो दोष भारी खटकती है रागादी, रागादी माने राग देश मोह परिणति विकारी। अभी दो लाइन के बाद श्वास भी नहीं ले पाए और तीसरी लाइन में बोलते हैं सम्यक दर्शन, विश्वास है नाथ ये शीघ्र मिटेंगी स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेंगी। पंडित जी सावन खत्म हो गई था, सन ऐसी सावन है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा का विश्वास का नाम सम्यक दर्शन। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना। हम आपसे ये नहीं कह रहे आप पाप छोड़ दो, इतने दिन के प्रवचन में ये नहीं कहा पाप छोड़ दो, बल्कि पहले दिन के प्रवचन सुन के परेश वगैरह ये लोग आए कि पंडित जी हम प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं पाप छोड़ें। कैसे छोड़ें? मैंने कहा घबराओ नहीं, पाप मत छोड़ो, पहले पाप का स्वरूप समझो, आत्मा का स्वरूप समझो। हम आपको इमोशनल नहीं करते, हम आपको ब्लैकमेल नहीं करते। अभी भी अनंत गुनी ताकत तेरे में है, अनंत पाप को एक साथ ध्वस्त कर देवे, ऐसा भगवान तू है पहले ऐसा विश्वास कर, इसका नाम सम्यक दर्शन। एक कपड़ा धो देने का नाम तो मोक्ष है, क्या कहा साबुन का दृष्टान्त। सारा कपड़ा आया साबुन लगाई जगह जग हो गई, उसका नाम तो मोक्ष है। अभी तो कपड़े इतने भरे पड़े हैं लेकिन साबुन का विश्वास है, विश्वास है नाथ ये सब शीघ्र धुलेंगे साबुन के सामने कैसे टिकेंगे। इस मस्ती का नाम सम्यक दर्शन। पर्याय से डरे पापी है, पर्याय से डरना ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निडर होने का मार्ग है, निर्भय होने का मार्ग है, निष्काम रहने का मार्ग है। चले आगे, चले चले बेटे, बोर तो नहीं हो रहे? बहुत बढ़िया, सच में गजब गजब बात है। ए आगे चलो, तो क्या कह रहा था मैं, पर्याय में राग आदि है यदि तू उसकी सत्ता नहीं मानता है तो असत्य नंबर एक, नंबर दो असत्य, नंबर दो असत्य, नंबर दो तो अपने राग की सत्ता पर से मानता है, असत्य नंबर दो पर द्रव छेद काल भाव के कारण राग होता है। क्या करूं पंडित जी, मेरी तो बहुत इच्छा है आपके साथ चल दूं लेकिन पहले नहीं मिले शादी हो गई। ये तो शादी हो गई तो सम्यक दर्शन करने, हमारे संग जाने से क्या हो जाएगा, हमारे संग जाने का मत सोच। तेरी शादी हो गई तो तू पत्नी को दोष देना बंद कर, तेने राग के कारण शादी करी, शादी के कारण राग नहीं हुआ। पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं, 25 साल वो थोड़ी थी, 25 साल तो तूने ही माला फेरी थी, अच्छी पढ़ाई इसलिए करो अच्छी पत्नी मिली, अच्छा जॉब इसलिए करो अच्छी पत्नी मिले। शादी तो बहुत बाद में होती है, 2-5 साल पहले ही वो बनवा लेता कमरा वमरा, क्या करता हो ऐसा लगाओ ऐसे बनाओ ऐसे करो, माने तू ही 5 साल सोचता है, वो देखेगी तो खुश हो जाएगी, क्या खुश हो जाएगी। अब वो आई नहीं, इससे पहले 5 साल तूने पूजा अर्चना करी तब आई वो, तो राग के कारण आई कि वो आई तो राग हुआ। ठीक है, समझाया कि नहीं आया, दुकान खोले तो राग है कि राग के कारण दुकान खुलती है, कपड़ा के कारण राग उत्पन्न होता है कि राग के कारण कपड़ा पहनता है। लेकिन पंडित जी क्या करूं बच्ची, इसको आप तो महंत रहना चाहता है, आप तो महंत माने निर्दोष रहना चाहता है, बस ये पत्नी बच्चों के चक्कर में परेशान हूं। झूठ, झूठ नंबर सेकंड, बज्रबाहू की कहानी आती, बज्रबाहू की, बज्रबाहू एक वो, उसको दुनिया में एक ही हुआ वो, मेरे ने आज तक ऐसा नाम नहीं सुना, वर्ल्ड में ऐसा कोई हुआ नहीं। बज्रबाहू नाम सुना है? नहीं, स्टोरी सुनी? नहीं सुनी। देखो एक बज्रबाहू थे, तो वो इतने जैसे तुलसीदास थे ना, तुलसीदास, उनको अपनी पत्नी बड़ी फेवरेट थी, एकदम क्या बोलते हैं, पसंद थी उन्हें बहुत ज्यादा, तो बिना कहे पीहर चली गई तो वो भी पीछे पीछे चले गए। लेकिन तुलसीदास जी भी मात खा जाएं, क्यों, वो तो बहुत लेट किस्सा हुआ। लेकिन इनका तो ऐसा हुआ बज्रबाहू का कि उनकी शादी हुई और पहला पीहर जाना था उसको मिसेज को, तो उसका साला लेने आया, तो अब वो जिद पकड़ गया मैं भी चलूंगा, जैसे बच्चे नहीं रूठ जाते मम्मी के साथ हम भी जाएंगे, ऐसे वो ये कहता है सारे घर परिवार के सामने मम्मी पप्पा से
कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं इसकी संग जाऊंगा। तो वो पीहर लेने आया तो ये भी बोल दिया। अब बहुत समझाया होगा सबने, अच्छा नहीं लगता, शर्म खा। तू 25 साल भी तो जिंदा था कि नहीं था। लेकिन नहीं, बस नहीं, तुम्हारा नहीं। आखिरकार नहीं समझ में आई तो उसको भी विदा कर दिया। तो पति पत्नी चले जा रहे वापस। अब कितना राग होगा कल्पना कर सकते हो आप, कितना राग होगा जो पत्नी के बिना एक दिन नहीं रह सके। लेकिन दिगंबर मुनिराज की मुद्रा देखते से ही एक सेकंड पहले तक जो पत्नी के बिना नहीं रहने की सोचता था, जंगल में दिगंबर मुनिराज को देखते से ही एकदम ऐसा लगा, इतना सुंदर रूपवान पुरुष, इसकी स्त्री नहीं पुरुष नहीं, नग्न अवस्था, कैसी सौम्यता, कैसी शांति, और धिक्कार है एक मुझे, इतना सुंदर पुरुष होता हुआ विरक्त है, ओ, और मैं स्त्री के कारण माता पिता की अवहेलना करके, धर्म की अवहेलना करके, लोक रीति की अवहेलना करके जाता हूं। ऐसे सोचते सोचते अंतर्मुख हो गया वो। तो साले साले साहब बगल में बैठे थे, साले साहब समझ गए नहीं, ब्रदर इन लॉ। तो उन्हें कटाक्ष किया, क्या बोलते, मैंने उन्हें तो पता ही था ये तो बड़ा रागी है। तो उन्होंने कहा मजे लो जीजा जी, क्या मुनि बनने की मन हो रहा है क्या? तो बोले यदि तुम दीक्षा ले लो तो मैं भी तैयार हूं। तो उन्होंने सोचा जी दीक्षा लेने वाला ऐसा कभी नहीं बोलता, दीक्षा लेने वाला ऐसा कभी नहीं बोलता। तो उन्होंने भी कहा अच्छा ठीक है, तो हम तैयार हैं। साले ने हंसी हंसी में कहा तो हम तैयार हैं। बोले तुम तैयार तो हम तैयार, दोनों हाथी से उतर गए, दोनों मुनिराज के पास गए। अब वो साला डरने लगा बेचारा कि अब मेरी दीदी का क्या होगा। तो नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे तो तुम चले जाओ, लेकिन मैंने तो मजाक नहीं किया, दीक्षा ले ली। अब इसने दीक्षा ले ली तो गड़बड़ तो साले की थी कमेंट्स करने की। तो उसने कहा मैं घर जाके क्या बोलूंगा। तो उसने भी दीक्षा ले ली। अब वो दोनों की पत्नियां भी थी वहां, तो वे रोने लगी भैया अब हम जाके क्या करेंगे घर। उन्होंने भी दीक्षा ले बताना तो है राग के कारण पत्नी थी, राग टूट गया दीक्षा हो गई। देखो एक मिनट में दीक्षा हो गई। बिल्कुल चिंता नहीं करना, भगवान आत्मा में इतनी सामर्थ है, एक समय में राग टूट जाए। ओहो ध्यान रखना, राग तोड़ने का जो प्लान बनाते हैं उनका राग कभी नहीं टूटता, और आत्मा की दृष्टि करने वाले का राग टूटे बिना रहता नहीं है। स्वरूप जानो, स्वरूप। हम बिल्कुल नहीं कहते तुम क्रियाकांड करो, ये करो कि मत करो, छोड़ो कि मत छोड़ो, बिल्कुल नहीं, स्वरूप जानो बस। कितना जोरदार स्वरूप है, समझ में आया कि नहीं आया? ए भगवान घड़ी इतनी जल्दी भागती है, हमारा तो बात ही पूरी नहीं हुई। तो पर्द के कारण राग होता है ऐसा मानने वाला दूसरे नंबर का, हाँ दूसरे नंबर का सत्य, बिल्कुल ठीक, दूसरे नंबर का सत्य है। और तीसरे नंबर का तो आपको मालूम ही है, राग होने पर भी मायाचारी से उसको धर्म कहे, कर्तव्य भी तो कोई धर्म है। वो क्या बोलते हैं, बर्किज वर्शिप, कर्तव्य करना भी तपस्या है पंडित जी, स्त्री पुत्रादि का पालना भी तो धर्म है। राग को धर्म कहता है तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का सत्य है, राग को धर्म कहता है। अरे यहां तो कहते हैं, अभी चलती थी चर्चा, कलश चलता गाथा चलती थी 103 नंबर की, वहां तो कह रहे थे कि आत्मा में जो द्रगुण पर्याय है ना, द्रगुण पर्याय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय, उसका नाम उपचरित चारित्र, उपचार से लिया, उपचार से। अरे ने तू रत्नत्रय का भेद करता, ये भी उपचार है, भेद उपचार की तो और कहां गई बात दूर, बिल्कुल सूक्ष्म बात थी, उसको अभी नहीं उठा रहे आपके सामने। माने वहां तो कहते हैं तेरे को जिस तीन प्रकार का रत्नत्रय है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, ऐसा विकल्प है ये पर अधर्म है, ये तक राग है, हमें इसको धर्म नहीं कहते। और तू क्या बोलता है, सारी जिंदगी पंडित जी न्याय निष्ठा से बच्चों का पालन करता हूं, खरे खर ये तपस्या है, तपस्या है, यदि इसी का नाम तपस्या है तो दुख किसका नाम है? इसका नाम तपस्या नहीं है, तपस्या तो आनंद रूप होती है भैया, आनंद रूप, उसका नाम तप है, उसकी चर्चा करेंगे जब तप का दिन आएगा, अभी नहीं कर रहे, उसके दिन उसी दिन करेंगे थोड़ा बहुत। आगे चलें, तीन हो गई,
और चौथा प्रकार की चर्चा भी मुझे करने का मन तो कर रहा है, करूं? चौथा भेद में एक गर्हित है, गर्हित। अभी देखो, अभी कल जो घटा दिया था ना, वो एकदम व्यवहार घटाया था, आज थोड़ा हम निश्चय पर घटाएंगे थोड़ा सा। गाथा नंबर हमारे पास है 95 से लेकर के है ना, तो अभी थोड़ा 96 नंबर की गाथा समझाता हूं। देखो, दुष्टता अथवा कोथली रूप हास्य बाड़ू, कठोर मिथ्या श्रद्धान बाड़ू, मिथ्या श्रद्धान वाले वचन बोलना, मिथ्या श्रद्धान वाले वचन बोलना, हंसी हंसी में भी सादरमी सादरमी को। देखो, अपन डॉक्टर को फीस चुकाते कि नहीं चुकाते? डॉक्टर से भी तो इलाज कराते हैं। ऐसे व्यंतर को यदि नरियल चढ़ा दो तो फीस समझ लो, और व्यंतर के पास चले जाओ, एक कपड़ा चढ़ा दो, एक अगरबत्ती घुमा दो, जैसे डॉक्टर को देते ऐसे इसको देते। सन गर्हित वचन बोलता है तू, असत्य बोलता है, मिथ्या श्रद्धान को बढ़ाने वाली बात करता है तू। देखो भैया, अपन और किसी को तो नहीं मानते, लेकिन अपने पद्मावती क्षेत्रपाल तो दिगंबर जैन ही है, भारे तेरा दिगंबर जैन। और नहीं, इधर नहीं जाते हम तो, वहां जाते हैं, कहां जाते हैं, क्या नाम बोलते हैं, मुझे नाम भी नहीं मालूम, मुझे तो क्या नाम है वो, पदमपुरा जाते हैं, और कहां जाते हैं, महावीर जी जाते हैं। महावीर जी में हम एक काम करो भैया, तुम्हारे छोकरा नहीं होता है ना, तो महावीर जी जाओ और वहां उल्टा स्वस्तिक बनाओ, उल्टा उल्टा स्वस्तिक देख लेना, लाखों स्वस्तिक मिलेंगे वहां, उल्टा बनाओ और भगवान को बोल के आना, याद रखना छोकरा नहीं हुआ तो उल्टा ही कर देंगे, उल्टा कर देंगे, माने माने तेरी धर्म की मान्यता सब बदनाम कर देंगे हम। और हो जाता है ना, तो फिर वो जाते हैं उसको मिटाते हैं और फिर उसको सीधा बनाते हैं, माने भगवान को धमकी देने जैसी बात, भगवान तुमको अपना शासन चलाना हो तो हमारा काम करो। समझ आया कि नहीं आया? अरे रे भैया, क्या करते हो तुम, एक काम करो भैया, देखो गृहित मिथ्या बता रहा हूं, गृहित वचन में, पंडित जी बहुत ही बढ़िया बाबा था, वो ये कहता था नवकार गिनो, नवकार पारसनाथ भगवान का नाम लो, आप एक छत्र चढ़ा देना मंदिर में, तुम्हारा इनकम टैक्स की रेट का काम सुलट जाएगा। हमसे पूछ, नवकार गिनने से इनकम टैक्स का रेट नहीं सुलटेगी, छत्र चढ़ाने से बेवकूफ नहीं बना सकता तू भगवान को। लेकिन लोग क्या करते हुए आते हैं हमारे पास, पंडित जी वो तो कहते हैं ना तो उन्होंने नरियल चढ़वाया, ना अगरबत्ती कराई, ना लोहान चढ़वाई, वो तो कहते थे कि तुम तो बस हर रविवार पारसनाथ की पूजा करना बस। अरे इसका मतलब ये नहीं कि तुझे धर्मात्मा बना दिया, पहले तू ये बता, पांच पाप पोषण करने के लिए महावीर भगवान का नाम जपता है तो तू पापी है, पांच पाप की रक्षा करने के लिए, नंबर दो की रक्षा करने के लिए, इनकम टैक्स रेट से बचने के लिए, हे भगवान। सच्ची घटना सुना, मतलब बहुत, हमारे एक रिलेटिव है, जिंदगी में कभी पैसा खर्च ना करे, एक बार, लेकिन बहुत साल पहले की बात है, 80-82 की, 82 की बात, 1,00,000 रुपया खर्च करके विधान कराया जोरदार, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, जो भी कुछ हुआ हमें पता कुछ नहीं था, मतलब हम भी गए उस विधान में, खूब अच्छा विधान हुआ जोरदार। तो बाद में हमें मालूम पड़ा, हमारी मम्मी ने बताया कि उन्होंने अपने ऑफिस में 15,00,000 का गोलमाल किया था, तो उसमें उनको सस्पेंड कर दिया नौकरी से, नौकरी सस्पेंड कर दिया। बाद में उन्होंने ऐसी भगवान के सामने बोला कि 1,00,000 का विधान कराएंगे, संयोग से 10-5 साल में मुकदमा कर करा के किसी तरह से प्रूफ मिटा मिटू के किसी तरह बच गए उसमें, तो 1,00,000 का कराया, माने यहां पर भी 14,00,000 का घोटाला माने वहां 15,00,000 का गलत काम किया और 1,00,000 दे के निपटना चाहे, देखो गजब, माने इसने तो जैसे रिश्वत वहां देता था ऐसी रिश्वत यहां मानी, बिल्कुल मोटा 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 मा मोटा पापी छ। ऐसे लोगों को हम नहीं कहते भैया तू ऐसे कर, बिल्कुल झूठी बात, मैं झूठ की बात क्या कहूं आपको, माने मुझे बहुत दुख होता है, एक व्यक्ति ने मेरे से भी सलाह मांगी, अभी दिल्ली गया मैं जब, कि पंडित जी ऐसे ऐसा मामला मैं क्या करूं, तो दूसरी एक धर्मात्मा ब्रह्मचारिणी बहन, धर्मात्मा ब्रह्मचारिणी, नाम नहीं बताता मैं, उनने कहा कि तुम ऐसी मंत्र माला फेरो, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, पार्श्वनाथाय सर्व विघ्न हराए, ऐसे, तो उसने मेरे से भी सलाह ली उसी घटना की, घटना बिल्कुल
गलत है मतलब। मैंने कहा सुनो, आपने मेरे से सलाह मांगी है ना, तो जो सलाह आपको मिली नंबर एक वो तो गलत है। दूसरी सलाह मेरी सुनो कि तुम सरेंडर कर दो अपने आप को, जेल चले जाओ, इसके सिवा तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। आप बिल्कुल सरेंडर कर दो, जेल में चले जाओ, आप बहुत सस्ते में निपट जाओगे, और नहीं तो यहां की जेल से बचने के नाम पर अनंत काल कितनी जेल भुगतोगे, चार गति की खबर नहीं पड़ेगी तुम्हें। मैंने ये सलाह दी, गादी पे कह रहा हूं ये बात। हमारे प्रिंसिपल कभी कहते थे, एक एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बोल देता है कुछ, जैन साहब ऐसे चले जाना विदाउट लीव, फ्रेंच लीव, ऐसे चले जाना। तो मैंने एप्लीकेशन दी तो वो बोलेगी अरे चले जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे चले जाओ। मैं नहीं सर, ये एप्लीकेशन आपको लेना है। बोले क्यों, सुनोगे आप उत्तर? एक चोर दूसरे चोर से पूछ ले तो साहूकार नहीं हो जाता। आप भी कर्मचारी हैं, मैं भी कर्मचारी हूं, गवर्नमेंट के लिए यदि आप गलत काम करते हो, मैं आपसे गलत काम करके पूछ के भी करता हूं, तो एक चोर दूसरे चोर से पूछ लेने से साहूकार नहीं हो जाता। बहुत भैया देखो, ये पांच पाप, मैं सच बताऊं वर्णन पूरा किया नहीं मैंने, आत्मा के सामने पांच पाप क्या दम रखते हैं, एक परमेश्वर के सामने इनकी वैल्यू क्या है। हम भूखे मर सकते हैं, नंगे रह सकते हैं, लेकिन अन्याय का कपड़ा नहीं पहन सकते, अन्याय का भोजन नहीं कर सकते। इसका नाम सम्यक दृष्टि की ताकत, सम्यक दृष्टि की ताकत। सम्यक दृष्टि मैंने कोई पोपा भाई नाराज न थी, नंबर दो भी चलता जाए, वो तो आश्रम थी भिन्न छूने। कौन से आश्रम से, कौन से आश्रम से, हिंसा से, झूठ से। ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, स्वामी जी के शब्द बता रहा हूं आपको, शुभ आश्रम थी भिन्न। समझ में आया, शुभ से वेद विज्ञान कराओ, अशुभ भाव को तो दूर से ही त्याग दो। पापाचार जो बहुत मोटे मोटे पापाचार है उन्हें तो दूर से त्याग देने लायक है, और शुभ भाव हो तो उनसे मोटप नहीं लेना, उनसे भिन्न देखने लायक है। लिखा है सब, पढ़ लेना, नियम साजी में है कलश, पढ़ना आप। हा, बताऊंगा मैं देख करके, मिल जाएगा तो। इस मामले में बहुत सुंदर कलश। ए भैया ये पोल पट्टी नहीं चलेगी, मोटे मोटे बड़े बड़े पाप करता जाए, पर स्त्री सेवन का खोटा विचार करता चला जाए। पंडित जी हूं भगवान आत्मा छू, अरे कहने से पहले सोच, पहले यहां देह को स्पर्श नहीं करने की बात करते हैं, और तू स्त्री को स्पर्श करने की सोचता हो क्या, तेरे सम्यक दर्शन क्या ज्ञान चाहत की बात करे। बहुत कड़क बात है भैया, मेरे प्रवचन पहचाना बहुत टेढ़ी खीर है। अरे रे भैया, गरित वचन, ए मिथ्या कल्पना नहीं फैलाना भैया, सब चलता है, सब चलता है। पंचम काल है, कोई पंचम काल नहीं है, कोई पंचम, कोई देवी देवता तेरी मदद नहीं करेंगे, ध्यान रखना बिल्कुल, कोई नहीं करेंगे। बराबर समझ में आया, ए वास्तु, वास्तु लगा लेना इसमें, माता फोड़ी नहीं करना वास्तु में, बिल्कुल कोई वास्तु नहीं। समझ गए इतने में कि और ज्यादा कहना पड़ेगा? नहीं भैया, जैनी हुए और मिर्ची और वो टांगे, नींबू गाड़ी में टांगे, उसमें टांगे, ट्रक खरीद ले तो ट्रक में जूता लटका दे। मेरी मुझे बहुत लगता है, हवाई जहाज में कभी जूता टंगा देगा? हवाई जहाज में कभी लिखा देगा बुरी नजर वाले? उसमें तो कहीं नहीं लिखा। मैंने हवाई जहाज में ज्यादा खतरा है कि ट्रक में? हवाई जहाज में तो कुछ नहीं करते, न काला लटकाते, न नींबू लटकाते, न हाय बांधते, लेकिन एक भी पायलट ऐसे नहीं करता कहीं जाकर के। लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाला कहीं भी जरा कुछ काला पीला पता होए, जिद के चक्कर है। मैंने पायलट को डर नहीं लगता, वो आकाश में उड़ता है, और तो तुम सड़क पे चलते हो तो भी तुम्हें लगता है नहीं कुछ हो गया तो। अरे तुम्हें मिथ्या कल्पना चल रही भैया, खूब सोचो अच्छे वस्तु स्वरूप से। बहुत लिखा है, प्रलाप रूप तथा बीजूपणु जे शास्त्र विरुद्ध वचन छे, देखो लिखा है शास्त्र विरुद्ध वचन छे, ते बधाने गरित निंद वचन, निंद वचन, निंद वचन, आहा देव गुरु धर्म के विरुद्ध बातें करते हो, चरणानियों के विरुद्ध बातें करते हो, गरित वचन है, गरित वचन कैसे बोल देते हो आप? जड़ की क्रिया है, बराबर है जड़ की क्रिया, लेकिन द्रव्यानियोग में कही है बात, चरणानियोग में कहीं लिखी हो तो बता देना, चरणानियोग में भगवान गर्दर स्वामी ने लिखी हो तो बोलो जरा कहीं,
जो चीज जहां कही जाती है वहां बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां नहीं कहनी चाहिए वहां बोलो तो गड़बड़ है। ये बहुत लगाना है इसमें, बहुत लिखा है, मैं तो अभी क्या बताऊं, यदि पूरा टाइम ही नहीं इतना था, मैं तो सोच रहा था थोड़े में कर दूंगा इसको। अभी इसमें एक चर्चा करूं दो मिनट, ताकि अब बाइंड अप हो जाए थोड़ा सा ये प्रकरण, वैसे तो बहुत है, आप पढ़ लेना जरा। तो फिर साहब झूठ का त्याग किस क्रम से करें, झूठ का त्याग किस क्रम से करें, ऐसा एक प्रश्न है, एक गाथा है इसमें, झूठ का त्याग किस प्रकार से करें। आप सुनना, बहुत मार्मिक बात है, मैं भी यदि नहीं पढ़ता तो शायद वो बात नहीं कह पाता, आज ही पढ़ी तो मेरे ज्ञान में भी आई। देखो तीन प्रकार के झूठ जो हैं वो तो बुद्धिपूर्वक शास्त्र स्वाध्याय करके टालना, कौन से तीन, होने पर भी नहीं कहना, दूसरे से कहना और उल्टा स्वरूप कहना, ये तीन तो स्वाध्याय करके छूटेंगे, इसके बिना नहीं छूटेंगे, आप चाहे करके भी नहीं छोड़ पाएंगे बिना स्वाध्याय के, इससे स्वाध्याय की महिमा आती है। अब आगे सुनना जरा, अब तीन भेद किए थे, गर्हित, सावध्य, सावध्य, कल बोला था सावध्य माने पाप सहित वचन, हिंसा सहित वचन, और एक तीसरा था अप्रिय। तो एक अप्रिय वचन का त्याग करना चाहिए बुद्धिपूर्वक, और एक गर्हित वचन का त्याग बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, देश सास गुरु के विरुद्ध नहीं बोलना। अरे खोटी भाषा है ना ऐसे, रे क्या कर रहा है तू, ऐसे उठ भाग, ऐसे नहीं बोलना, तो ऐसी भाषा नहीं बोलना, एक गर्हित वचन का त्याग करना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना, मजाक नहीं कर देना किसी का, मजाक उड़ाना मैंने और डेढ़ आंख ना शरीर का कुछ भी ऐसा बोल अच्छा नहीं लगा, तो एक तो ये नहीं बोलना, और तीसरा नंबर पे अप्रिय वचन, अप्रिय कटुक कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, गाली वगैरह नहीं बकना चाहिए। लेकिन सावध्य का त्याग करने के लिए मुनिराज को कहा है, श्रावक को नहीं कहा, ये गजब बात लिखी इसमें। सावध्य माने वो करेगा, पिताजी बेटे से कहेंगे बेटा दुकान करो, मकान बनवाओ, ये सावध्य वचन है। हिंसा का काम है जी, मकान बनाना हिंसा का काम है, व्यापार करना हिंसा का काम है। एक सास बहू से कहेगी बेटा कपड़ा धो लो, साबुन अच्छे से लगाओ बेटा, साबुन लगाने से हिंसा होगी, लेकिन ये त्याग श्रावक नहीं कर सकता। घर में अपना गेहूं रखा हो और उसमें जीप पड़ जावे, फेंकते भी नहीं बनता है, खाते भी नहीं बनता है, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे तो उस गेहूं में से जीव निकलेंगे, वो तो एक तरह से उनका भोजन छुड़ा रहे हैं, भोजन छुड़ा रहे हैं, बादाम है, क्या बोलते हैं, द्राक्ष है, अब इसमें जीव पड़ गए, लेकिन अब घर में क्या करें बोलो, फेंक थोड़ी सकते हैं, तब उनकी सफाई करेंगे तो ऐसे में जीव निकालने पड़ेंगे, उनका भोजन छूटेगा, कदाचित मर भी जाएंगे, और कदाचित हम कहीं रखकर आएंगे तो कोई खा भी जाए अथवा धूप में मर जाए, हो सकता है, हम बुद्धिपूर्वक बचाएंगे, हम बुद्धिपूर्वक पूरा बचाएंगे, लेकिन इस सावध्य का त्याग श्रावक नहीं कर सकता। पाप सहित है जी, अग सहित है, लेकिन फिर भी सावध्य का त्याग नहीं करा सकते। आप पूजा पाठ करेंगे, चावल सो देंगे, अब क्या करेंगे, जीव आएंगे तो क्या करोगे बोलो, साफ करेंगे वो क्या करेंगे बताओ, पानी छानेंगे, सावध्य क्रिया है, सावध्य क्रिया, लेकिन इसके बिना काम चलता नहीं, लाइट जलानी पड़ती है, कीड़े हो जाते हैं, छिपकली खा जाती है, सावध क्रिया है, लेकिन लाइट जलाना पड़ती है, क्या करें अपन, लाइट बंद नहीं कर सकती, ये सब सावध कहलाती है। इसलिए श्रावकों को सावध क्रिया का त्याग करना चाहिए, लेकिन दिगंबर मुनिराज को तो अन्य सबका तो त्याग करना ही चाहिए, लेकिन सावध का भी त्याग होता है। दिगंबर मुनिराज हो लाइट नहीं जलाएंगे, बारी खुली होए तो खुली रहेगी भले ठंड होए, और बंद होए तो बंद रहे भले गर्मी होए, वो इशारा भी नहीं करेंगे खोल दो जरा, यदि वो खोलने को कहते तो मुनीपना छूट जाएगा, सावध क्रिया हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि जितने में वो पहिया चलेगा बारी खुलने में उतनी हिंसा हो जाएगी। दिगंबर मुनिराज अपने हेतु से यदि वो आए और कोई देखकर उनके लिए पाटा ला के रख दे तो उस पाटे पे नहीं बैठेंगे, पहले से पाटा विद्यमान हुए तो उसको परिमार्जन करके वो उसका उपयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अपने हेतु से लाई गई घास का प्रयोग नहीं कर सकते, अपने हेतु से लाया गया पानी भोजन इसका प्रयोग नहीं करते, क्या गजब, इसका नाम सावध क्रिया। ओ हो, दिगंबर मुनिराज 9 कोटि से त्यागी हैं, मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना, बहुत बढ़िया पाटा लाए, कितना बढ़िया पाटा है,
नहीं बोलेंगे, मन में खुश नहीं होंगे, मन में कितना बढ़िया पाटा है, क्या बढ़िया श्रावक है, कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं। मन में खुश हो जाए तो मुनि पना चला जाए, आ हा हा, अब मालूम पड़ता है कैसी सूक्ष्मता है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी किसी को घबराहट लगती होगी, इतना पाप बता दिया हम डर गए, डरना नहीं, साबद्ध का त्याग नहीं कराया है, लेकिन अप्रिय तो छोड़ना चाहिए, गाली गलौज से छोड़नी चाहिए, खोटा वचन तो छोड़ना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देती। बोलो, एक भगवान दूसरे भगवान को गंदी गाली बके, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाकी तो सरल है, बाकी स्वाध्याय बिना नहीं छूटेगा, स्वाध्याय बिना नहीं छूटेगा। एक अंतिम बात की ओर कहकर छुट्टी करता हूं, टाइम ज्यादा ले लेता हूं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ी, एक फिर भी कहने का मन कर रहा है एक बात। देखो, कई बार अपन करते हैं ना कोई गलत काम, तो अपन अपन खुश होके कहते हैं दूसरे से, देखो अभी अपन तो श्रावक हैं, रिश्वत भी चलती है, माने कोई गलत काम 7 बजे तक भी चलता है, 7 बजे तक भी चलता है भोजन पानी, माने आप एक तो गलत काम कर रहे हैं और ऊपर से उसमें और ऊपर से क्या कर रहे हैं, सब चलता है, अपन तो अभी श्रावक हैं, अपनी भूमिका में तो, अरे रे, एक और गलत बात है, समझ में आया, कभी नहीं कराओ, अभी भी चर्चा बहुत बाकी रह जाती है, हुई नहीं, मुझे तो ऐसा सा लगता है हम जरा सी बातों में झूठ बोल जाते हैं, जरा सी बात में, केवल इंसल्ट ना हो जाए, इंसल्ट भी कौन की, आत्मा की शरीर की, कहीं कोई सुमत को बुरा नहीं मान ले, इसलिए थोड़ा चुप रह जाओ, कुछ खाया पिया हो तो छिपा जाओ, कुछ गलत काम किया तो छिपा जाओ। अरे रे रे रे, क्या करते हो भैया, सुन, एक क्षणिक औदिक भाव के चक्कर में तेरा त्रिकाली शाश्वत परमात्मा छिप रहा है, फिर से बोलो, एक क्षणिक औदिक भाव को छिपाने के चक्कर में, क्षणिक औदिक भाव तो छिपता नहीं है, मां तो कर्म बंद हो जाएगा, उदय आ जाएगा, एक क्षणिक भाव को छिपाने के चक्कर में तेरा रत्नत्रय, तेरा केवल ज्ञान, तेरा शाश्वत परमात्मा छिप जाता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता, इसलिए भगवान आत्मा की वैल्यू करो, चाहे जितना दोष होए अपने से भिन्न जानो। क्या करूं, ये प्रवचन पूरा ही नहीं हो रहा है, एक अंतिम बात और कहता असल में कल उठाऊंगा ना तो 1 घंटा फिर खराब हो जाएगा, इसलिए मैं अभी लेना चाह रहा हूं, क्यों, फिर वो चोरी का प्रकरण लेना मुझे। देखो, सत्य भी हर कहीं नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना कि आप हर कहीं सत्य बोल दो, हर कहीं नहीं बोलना, जिससे लोक में धर्म की निंदा हो जाए, धर्मी धर्मात्मा की निंदा हो जाए, तो अपना दोष हर किसी को नहीं बताना। ए जैनी ऐसे होते हैं, इतना गंदा सोचते हैं, अब मन की बात सबको कैसे बता सकते हैं, मैं जानता हूं मन में बहुत गंदा विचार आता है, वचन भी कभी कभी गंदा निकलता है और काया की चेष्टा भी गंदी हो जाती है, लेकिन ये तीनों प्रकार के सत्य भी हर किसी को नहीं बताना, अपने हितेशी हो, आत्मा का हितेशी हो, बहुत उपगुहन करने की शक्ति होए, छिपा जावे, पी जावे, आपके दोस्तों को पी जावे, आपसे गिलानी नहीं करे, घृणा नहीं करे, दुनिया में किसी को कहे नहीं, ऐसे बीतरागी कोई आत्म हितेशी होए, जो हमारे आत्मा से प्रेम करता हो, शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करता हो, राग से नहीं, द्वेष से नहीं, पाप से नहीं, समझ गए, औदिक भाव से प्रेम नहीं करता हो, हमारे आत्मा का हित चाहते हो, उनके सामने औदिक भाव का ऐसे बमन कर देना चाहिए, बमन 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 क्यों बोल रहा हूं, ऐसे नहीं खीसा में से 1 रुपये निकाल देना, ऐसे नहीं, ऐसे खीसा में से 2 रुपये निकाल, ऐसे नहीं, बमन समझते, वॉमिटिंग में पूरा निकल जाता है बिना रोके, अंदर का सब निकल जाता है, ऐसे अपने गुरु के सामने, हितेशी के सामने अपना दोष कहने में, लिखा है लोक में अपने गुरु को और अपने वैद्य से, डॉक्टर से, वैद्य से कोई चीज नहीं छिपाना चाहिए। आप जहर खा के आए और डॉक्टर ने पूछा, भैया तबीयत तो बहुत खराब है, क्या खाया था आज, मूंग की दाल और रोटी बस, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया, तो ठीक भाई इनको एक ड्रॉप लगा दो, बोतल बोतल लगा दो, वहां सुला दो, मरेगा कौन, जहर खाया है तो छिपाओ नहीं, डॉक्टर के सामने जहर बोलो। ऐसे ही तूने भगवान आत्मा को भूल कर, चार कसाय के बस होकर के, मन वचन काय की कोई वृत्ति करी होए, अपने हितेशी गुरु के चरणों में साफ कह दे, कहने से छूटना नहीं, इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा,
श्री गुरु बार बार नहीं मिलते हैं। श्री गुरु की उपेक्षा करने में अनंत भव में श्री गुरु नहीं मिलते। श्री गुरु की उपेक्षा करने में अनंत भव श्री गुरु नहीं मिलते। एक बार डॉक्टर की उपेक्षा करे फिर डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्पेशलिस्ट। थोड़े समझाए बेटा, मैंने ये बात बताने लायक थी। हर किसी को दोष नहीं बताना, और जहां बताने लायक है वहां छिपाना नहीं। पंडित साहब का एक बोल करके पूरा करते हैं, अपने को दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। क्या कहा? अपने दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। फर्क है थोड़ा सा। छिपाने का उपाय सोचते रहते हैं, कोई ने देखा तो नहीं, यदि देखा हो तो अपन जानबूझ के ऐसे ऐसे करो। नींद आ जाती, नींद तो नींद में एकदम झटका खाए, ऐसे ऐसे करने से सबको लगेगा झटके खाते ही हैं। ये तू छिपाने का उपाय कर रहा है कि मिटाने का? बोला ऐसे समझेगा, लगा लेना ऐसे। यदि नींद आ गई हो तो, अब नींद तो गहरी आ गई, अब देखो नींद का चेहरा तू लाख छिपा, वो चेहरा बुझ जाता है बिल्कुल। अब तू छिपा तो फिर वो जान मुझे क्या करते, तू आंख काग पड़ रहा है भाई, सीधे उठ जा, नींद भगाने का उपाय कर, मुंह धोया, सिर धोया, बड़ी मुश्किल से तू आया, दिन भर का हारा थका। यदि एक मिनट तो इज्जत ना देखे, कौन की इज्जत? औदयिक भाव की, औदयिक भाव की। एक मिनट वहां चलना जाए, थोड़ा सिर पे ठंडा पानी डाल ले, मुंह धो ले, नींद भाग जाए, आधा पौन घंटा में सम्यक दर्शन आ जाए तो कितना बढ़िया, बोलो। लेकिन वो सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, बस किसी को पता नहीं लग जाए मेरी मायाचारी। और ज्यादा हो तो यहां से सीरियस बैठ जाइए, काय खूब बेवकूफ बनाते। समझ में आया? दोस्तों को छिपाने का नहीं, आगे बोलो, मिटाने का उपाय करो। समझ में आया कि नहीं आया? ओम नमः शिवाय।